ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो कांग्रेस ही इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है और 24 घंटों के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। अगर वे इस मामले का जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन और भी बढ़ सकती हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो महज कांग्रेस ही इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी सतपाल सत्ती के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है और 24 घंटे के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उपायुक्त ने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है, जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया गया है। उपायुक्त सोलन ने सतपाल सत्ती के खिलाफ एसपी नालागढ़ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मदन हिमाचली ने उपायुक्त सोलन द्वारा उठाए गए इस कदम को स्वागत योग्य कहा है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति अपने स्तर से नीचे गिरती जा रही है और यही समय है कि प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपायुक्त सोलन ने सख्त कदम उठाकर उन नेताओं पर नकेल कसी है जो अभद्र टिप्पणियां कर सुर्खियां में बने रहते हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसी अभद्र भाषा के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश के जो समझदार लोगों हैं उनमें एक क्रोध व्याप्त हो रहा था। और आज हम सराहना करते हैं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार जी की, इन्होंने कड़ा निर्णय लेते हुए यहाँ से नोटिस जारी कर दिया है। और जो राजनेता होते हैं उनकी भाषा बड़ी शालीन और सभ्य होनी चाहिए और उसी क्रम में उनके लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश ही नहीं बल्कि एक अन्य नेताओं पर भी लगाम, उन नेताओं पर भी इससे लगाम लग सकेगी जो नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम उपायुक्त सोलन श्री विनोद कुमार जी की इस जो इन्होंने कार्य किया है, जो कड़ा निर्णय इन्होंने लिया है, हम इसकी सराहना करते हैं और सभी समझदार लोगों को, शिक्षाविदों को इसकी सराहना करनी चाहिए ताकि जो बेलगाम नेता है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले नेता हैं, उनकी भाषा पे लगाम लगाई जा सके।